नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काई टेक न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, आज के इस बेसिक वीडियो के माध्यम से हम जीरोधा काइट के अंदर इंडिकेटर को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है, इसके बारे में जानने वाले। दोस्तों, बहुत बेसिक सी वीडियो, लेकिन जो बिगनर्स है उनके लिए काफी फायदेमंद होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों, आपने जो भी इंडिकेटर्स प्लॉट किए, जो भी चार्ट आपने सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट कर लेना है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ मूविंग एवरेजेस डाले, एक डारवास बॉक्स लगाया है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपके पास कोई अलग इंडिकेटर आपके चार्ट पे हो सकते हैं, उन्हें कैसे रिमूव करना है इसके बारे में हम जानेंगे। सिंपली आपको यहाँ पे एफएक्स के अंदर चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएक्स के अंदर जाएंगे। जैसे एफएक्स के अंदर जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन इंडिकेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अगर आरएसआई को रखना है और बाकी ये दो इंडिकेटर्स को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक क्रॉस वाला जो बटन है यहाँ पे, इसे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले डारवाज, आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल जो डारवाज बॉक्स थे यहाँ से हट गए। अगर इसे भी हटाना है मुझे, एमए क्रॉसओवर को, मैं आपसे इसे क्लिक कर दूंगा क्रॉस पे, तो भी हट जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों भी इंडिकेटर यहाँ से हट गए और मुझे आरएसआई की जरूरत थी चार्ट पे, तो मैंने आरएसआई को वैसे ही रखा है। तो इस तरह से दोस्तों, सिंपली आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर इंडिकेटर्स को यहाँ से हटा सकते हैं। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे जीरोधा के ऊपर ट्यूटोरियल बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उन्हें एक बार जरूर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।